छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना खाद्यान्न वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बीपीएल कार्ड धारकों को 2 रुपए तथा सामान्य हितग्राहियों को प्रति किलो 10 रुपए के दर से राशन मुहैया कराने का जिम्मा लिया है। जहां हितग्राहियों को EKYC आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, आम जनता को राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए हलाकान होना पड़ रहा है। आम जनता को राशन कार्ड की अपडेट कराने के लिए लोगों को हलाकान होना पड़ रहा है। आधार कार्ड अपडेट के लिए अंतिम तारीख 30 जून की होने से लोगों को इस भीषण गर्मी में काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं भी छोटे बच्चों को लेकर लाइन लगाकर खड़ी देखी जा रही है। वहीं अपडेट कराने के लिए रोजाना सुबह से ही भीड़ उमड़ने लग जाती है। आधार कार्ड अपडेट कराने में सर्वर की समस्या तो कहीं भीड़ भाड़ के चलते अपनी बारी का सुबह से शाम तक हितग्राही घंटों इंतजार कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को देखा जा रहा है। स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश लेकर राशन कार्ड अपडेट कराने में होड़ मची हुई है। राशन कार्ड धारियों को राशन दुकानों में आधार कार्ड लिंक करवा कर थंब लगा कर रजिस्टर्ड करना पड़ रहा है, जिसके चलते जिनके आधार कार्ड में त्रुटियां हैं वे त्रुटियां सुधार कराने के लिए लोक सेवा केंद्र व बैंकों पोस्ट ऑफिस में भीड़ देखी जा रही है। साथ ही साथ सर्वर डाउन होने की स्थिति में हितग्राहियों को आधार अपडेट कराने में काफी दिक्कतें होती देखी जा रही है। वहीं इस तरफ देखा जाए तो कलेक्ट्रेट में सुबह से शाम तक आधार अपडेट कराने, त्रुटि सुधार आदि के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इनमें से कई ऐसे हैं जो नवजात बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं तो कई घंटे उन्हें बारी का इंतजार भी करना पड़ रहा है। राशन कार्ड में EKYC में सर्वर डाउन होने से लोग अपने काम धाम को छोड़कर राशन सामग्री लेने आते हैं और राशन दुकान में सर्वर डाउन होने से खाली हाथ बगैर राशन लिए निराश होकर लौट जाते हैं, जिसे हितग्राहियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और चावल बनाए हैं सोसाइटी, और सुबह 9 बजे बैठे हैं और सर्वे नहीं आवाते तेकर ना लेके चावल, और 11 बजे नहीं हो। अच्छा, 2:30 बजे तो ही सर्वर नहीं रहे सर, हर आधा घंटे घंटे सर्वर चल रहे थे। समस्या समझ जब से वितरण चालू किए ना 5 तारीख से, तब से हितग्राही मन भी बहुत आक्रोश में। अच्छा, बोला फिर से बायोमेट्रिक करा गाँव के किस है। अच्छा, वो आके करा का ही ना यार, अब तो 10 दिन में हो जाते। बाहर तो सुबह से यार सर्वर ही नहीं बतावा थे। अच्छा, हाँ 9 बजे का है अभी से नहीं बता रहे। सर्वर के नाम में कहा सा बहुत आके जनता पूरा बैठे है। अच्छा, हाँ राशन ही नहीं मिला था, हम किसी कर दिया सर्वर डाउन ही कहा थे। अभी सबसे ज़्यादा समस्या बच्चे लोगों का है EKYC में। लगभग 5 साल 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनका आधार अपडेट नहीं हुआ है, और हमारे द्वारा उनको ये बताया जा रहा है कि अभी जितने जल्दी हो सके आप बच्चों का आधार अपडेशन करवा के यहाँ EKYC करवाएं। और लगभग मेरे यहाँ अभी तक 50% से ज़्यादा EKYC हो चुका है, जिसमें बच्चों का बस थोड़ा दिक्कत जा रहा है, बच्चों के में फिंगर आने में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी बता रहे। वो दबाव बनाते हैं बच्चे कि हमारा राशन चाहिए ऐसा करके, लेकिन हमारे द्वारा राशन किसी का होगा जो जा रहा है, सबको बराबर सामान दिया जा रहा है, और जो जो उनके काम में आता है पात्रता अनुसार उनको खाद्यान्न हमारे द्वारा दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।